नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 28 मई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 11,000 से अधिक एकड़ में होगी वैज्ञानिक विधि से बागवानी। शिक्षकों के 80,000 पद पर आएगी वैकेंसी। तकनीकी सहायक से लेकर जिला पंचायत अधिकारियों तक की होगी रैंकिंग। बिहार के 3,00,000 से अधिक उद्यमियों को मिली उड़ान। बिहार के अब सभी अस्पतालों के बोर्ड पर लिखना होगा दवाओं का नाम। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 11,000 से अधिक एकड़ में होगी वैज्ञानिक विधि से बागवानी। बिहार में बागवानी विकास के लिए खरीफ मौसम में 11,025 एकड़ में वैज्ञानिक तरीके से बागवानी करने की तैयारी हो रही है। सरकार अब किसानों को नए बाग लगाने के लिए मुफ्त में पौधा देने वाली है। साथ ही किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। 125 एकड़ में केला, 662 एकड़ में पपीता, 1750 एकड़ में आम, 262 एकड़ में लीची का नया बागवान लगाने की योजना है। इसको लेकर कृषि विभाग औषधीय गुण और पोषक तत्वों वाली खेती को भी बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। इसी के तहत सहजन, रजनीगंधा और मघीपान के क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। योजना के अनुसार सरकार सहजन की खेती करने वाले किसानों को 50% अनुदान दे रही है। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए औरंगाबाद के अलावा सुपौल, भागलपुर सहित करीब 14 जिलों में विशेष प्रयोग हो रहा है। ड्रैगन फ्रूट की खेती भी जोर पकड़ने लगी है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे एके नारायण की। अवध किशोर नारायण एक भारतीय इतिहासकार, मुद्रा शास्त्री और पुरातत्वविद थे, जिन्होंने दक्षिण और मध्य एशिया से संबंधित विषयों पर बड़े पैमाने पर प्रकाशित और व्याख्यान दिए। वो 1957 में कैलरिंडन प्रेस द्वारा प्रकाशित अपनी पुस्तक द इंडो ग्रीक्स के लिए प्रसिद्ध थे, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश इतिहासकार सर विलियम बुडथोरेपे टॉर्न की थीसिस पर चर्चा की थी। प्रोफेसर नारायण का जन्म 1925 में भारत बिहार गया में हुआ था। जुलाई 2013 वाराणसी भारत में उनके जीवन के अधिकांश समय के लिए उनका घर। 1947 में उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व में स्नातकोत्तर उपलब्धि से सम्मानित भी किया गया था और साथ ही विश्वविद्यालय में पहला स्थान हासिल किया और दयाराम साहनी स्वर्ण पदक का भी दावा किया। उन्होंने 1954 में स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज लंदन विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री हासिल की। इंटर कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा की स्क्रूटनी के लिए शुरू हुआ आवेदन। इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2022 के लिए स्क्रूटनी को आवेदन बीते दिन से शुरू हो गया है। इसके लिए अभ्यर्थी बिहार बोर्ड वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को प्रति विषय ₹70 देना होगा। छात्र ऑनलाइन आवेदन 27 मई से 2 जून तक कर सकते हैं। ज्ञात हो कि जो विद्यार्थी अपने किसी एक विषय या सभी विषयों के प्राप्तांक से असंतुष्ट हो तो वो उस विषय की उत्तर पुस्तिका के स्क्रूटनी कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्क्रूटनी के तहत अंदर के पृष्ठों में अंक और मुख्य पृष्ठ के अंक से मिलान, अंक देने में किसी तरह की त्रुटि हो तो उसमें सुधार किया जाएगा। शिक्षकों के 80,000 पद पर आएगी वैकेंसी। छठे चरण के खाली रह गए 48,000 सीटों को इस वैकेंसी में जोड़ने की उम्मीद जताई गई है, जिसके बाद ही अब कुल मिलाकर 80,000 रिक्त पदों पर वैकेंसी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की माने तो सातवें चरण की बहाली शुरू करने को लेकर बीते कई दिनों से धरना दे रहे युवाओं से यही अपील की गई है कि वो अपना धरना खत्म कर दे। टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने मांग की है कि मध्य विद्यालय में विषयवार शिक्षकों की बहाली सरकार किसी भी हाल में करे। सातवें चरण की बहाली को लेकर प्राथमिक निदेशालय ने अब सभी डीईओ और डीपीओ को निर्देश भी जारी कर दिया है, जिसके बाद ही अब नियोजन की प्रक्रिया से संबंधित व्यापक सूचना जुलाई के अंत तक जारी करने की उम्मीद है। तकनीकी सहायक से लेकर जिला पंचायत अधिकारियों तक की होगी रैंकिंग। ग्राम पंचायतों में तैनात तकनीकी सहायक से लेकर जिला पंचायती राज पदाधिकारियों तक की रैंकिंग की जाएगी। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने बीते दिन मानक भी तय कर दिए हैं, जिनके आधार पर कर्मियों की रैंकिंग होगी। विभाग ने इस निर्णय के आलोक में काम भी शुरू कर दिया है, जिसके अंतर्गत जिलों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पंचायती राज विभाग की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन, संचालन और उनके रखरखाव में किस पंचायत का क्या प्रदर्शन रहा है, इसकी नियमित रूप से विभाग रिपोर्ट लेगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर रैंकिंग की जाएगी। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि रैंकिंग के पीछे मकसद यह है कि अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए, साथ ही उन्हें देख दूसरे कर्मी बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित हो। भारतीय स्टेट बैंक ने निकाली रिक्तियां। भारतीय स्टेट बैंक ने एजीएम, मैनेजर, डिप्टी मैनेजर के कुल मिलाकर 32 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास अनुभव के साथ प्रासंगिक में बीई, बीटेक, स्नातक, स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 12 जून 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार के अस्पतालों में अब नहीं होगी ऑक्सीजन की किल्लत।
बिहार के अस्पतालों में अब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने वाली है। कोरोना काल में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कारण ही गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके बाद से ही सरकार अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था करने की तैयारी में जुट गई है, जिसमें अगर आने वाले समय में फिर से कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है तो बिहार के सभी सरकारी अस्पताल पहले से ही सजग रहने वाले हैं, जिसके तहत ही अब 68 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाने का काम किया जाना है। बिहार चिकित्सा सेवा और आधारभूत संरचना विकास निगम को पाइपलाइन बिछाने की जिम्मेदारी दे दी गई है। इसके लिए ही निजी क्षेत्र की कंपनियों से प्रस्ताव भी आमंत्रित किया गया है। बिहार के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट। बिहार का मौसम इन दिनों बड़ा ही सुहाना बना हुआ है, क्योंकि बिहार के लगभग सभी जिलों में कई स्थानों पर बारिश देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को तपती गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिल गई है। ऐसे ही कुछ आज का मौसम भी कई जिलों में देखने को मिलने वाला है। शनिवार और रविवार के लिए मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने येलो अलर्ट जारी किया। बीते दिन भी राजधानी पटना के कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई और कई जगहों पर धूप निकली रही, जिसमें बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, पटना, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, सहरसा, सुपौल, फारबिसगंज, पूर्णिया जिला शामिल है, जहां पर गर्मी का असर देखने को मिला। एमसीसीडी रिपोर्ट में बिहार में जान गंवाने वालों के आंकड़ों का हुआ खुलासा। बिहार में कोरोना काल में बड़ी संख्या में लोगों के जान जाने की खबर सामने आई थी, हालांकि इस दौरान कई लोगों की जान अन्य बीमारियों के कारण भी गई थी, जिसका ही खुलासा हाल ही में महानिबंधक कार्यालय की तरफ से जारी एमसीसीडी की रिपोर्ट में हुआ है। जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में बिहार में हार्ट की बीमारी से सबसे अधिक 33% लोगों की जान गई है, जबकि 27% लोगों की जान किडनी की बीमारी से गई है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2020 में हृदय रोग, हाइपरटेंशन, गठिया बुखार, मस्तिष्क और नस की बीमारी 37.5% लोगों की जान इससे गई है, यानी कि बिहार में जितने लोगों की जान साल 2020 में कोरोना के कारण गई, उससे ज्यादा लोगों की जान अन्य बीमारियों के कारण गई है। और यह हाल सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि देश भर में ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। बिहार के 3 लाख से अधिक उद्यमियों को मिली उड़ान। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने में नीतीश सरकार लग गई है। ऐसे में बिहार के 3 लाख से अधिक उद्यमियों को नई उड़ान मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इसको लेकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के पोर्टल पर अब बिहार के 3,41,036 उद्यमियों ने पंजीयन कराने का काम किया है। सभी उद्यमियों की उद्यमिता और कौशल विकास के लिए मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिसके तहत ही उन्हें प्रशिक्षण देने को लेकर प्रोजेक्ट बनाने तक मदद की जाती है। मंत्रालय के इस पोर्टल पर अब देश भर में पंजीयन कराने वालों की संख्या 87,45,850 है, जिसका लाभ अब हर पात्र व्यक्ति ले सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी इसका लाभ लेना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय की योजनाओं को लाभ लेने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले उद्यम पोर्टल पर पंजीयन कराएं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भेजी जा रही है लीची। बिहार के मुजफ्फरपुर की शाही लीची का स्वाद चखने के लिए हर कोई आतुर है, लेकिन कुछ लोग तो इसका स्वाद चख लेते हैं मगर कुछ लोग नहीं चख पाते हैं। वहीं कुछ माननीयों को तो हर साल मुजफ्फरपुर की शाही लीची भेजने का काम किया जाता है। इनमें से एक है राष्ट्रपति और दूसरे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इस बार भी इन दोनों को मुजफ्फरपुर की शाही लीची भेजने का काम शुरू हो गया है। खबर के अनुसार जिला प्रशासन ने इसका जिम्मा राधा कृष्ण इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सौंपी थी। ये कंपनी जिले के पताही में स्थित है, जो यूनिक फूड प्रोसेसिंग के नाम से भी जानी जाती है। इस बार 2500 केजी लीची भेजने का निर्देश जिला प्रशासन से मिला है, जिसे तैयार कर पैकिंग किया जा रहा है। 27 मई को ही स्पेशल रेफ्रिजरेटर वैन से इसे भेज दिया गया है। किशनगंज के हरगौरी मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। ये मंदिर किशनगंज जिले के ठाकुरगंज नगर में स्थित है। 1901 में स्थापित इस मंदिर की स्थापना की कहानी भी रोचक है। कहा जाता है कि यहाँ की जमीन को रविन्द्रनाथ टैगोर के वंशज ज्योतिन्द्र मोहन ठाकुर ने खरीदी थी और इसका नाम ठाकुरगंज रखा। 1897 में उनके परिवार द्वारा पूर्वोत्तर कोण में पांडव काल के भग्नावशेष की खुदाई क्रम में शिवलिंग मिला, जो 1 फुट काले पत्थर का था। शिवलिंग पर आधे हिस्से में भगवान शिव और आधे हिस्से में मां पार्वती अंकित है। ठाकुर परिवार इस कलकत्ता में स्थापित करना चाहते थे, लेकिन रात को ही सपने में भगवान शिव ने कहा कि इस प्रतिमा को वहीं स्थापित किया जाए जहां पर वो मिली है। वो दूसरे दिन भी वापस आ गए और बड़ी धूमधाम से इस मूर्ति की स्थापना करते देखे गए थे। बिहार में अपराधियों पर अंकुश लगाने में लगी हुई है बिहार पुलिस। अपराधियों के खिलाफ राज्य स्तर पर चलाया जा रहा विशेष अभियान का असर अब दिखने लगा है। इस साल सिर्फ अप्रैल महीने में 19,965 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साल 2020 के अप्रैल महीने की तुलना में करीब 3 गुना अधिक अपराधी इस बार पकड़े गए हैं। आंकड़ों के अनुसार इस बार बिहार की पुलिस ने 613 कुख्यात और वंचित अपराधियों को पुलिस ने पकड़ने का काम किया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पुलिस मुख्यालय की तरफ से पिछले 3 साल में अप्रैल में की गई कार्रवाई की तुलनात्मक रिपोर्ट बनाई गई है। इसके अनुसार कुल गिरफ्तारी में 56.6%, कुख्यातों की गिरफ्तारी में 7.4%, अवैध अग्नियास्त्रों की बरामदगी में 17.2% और जब्त वाहनों की संख्या में 9.2% की वृद्धि दर्ज की गई है।
बिहार के अब सभी अस्पतालों के बोर्ड पर लिखना होगा दवाओं का नाम। अब बिहार के सभी अस्पतालों के बोर्ड पर आपको दवाओं के नाम का जिक्र करना ही होगा। ऐसा नहीं करने पर सीएमओ पर कार्रवाई होगी। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने पहले से ही सभी सदर अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता की सूचना बोर्ड लगाकर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया था, लेकिन विभिन्न जिला अस्पतालों में ये जानकारी नहीं दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने दवाओं की आपूर्ति लगातार किए जाने के बावजूद उसकी जानकारी आम मरीजों को नहीं दिए जाने को लेकर सख्त नाराजगी जाहिर की है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को बोर्ड पर दवाओं की उपलब्धता की जानकारी अनिवार्य रूप से सार्वजनिक करने का टास्क सौंपा है। बिहार वाणिज्य कर विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। बिहार वाणिज्य कर विभाग ने जीएसटी चोरी करने वाले एक फर्म के विरुद्ध बीते दिन बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत ही विभाग के आयुक्त के निर्देश पर पदाधिकारियों द्वारा कोयले में करोड़ों का व्यापार कर रहे मधुबनी स्थित एक फर्म का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में निबंधन में दर्ज व्यवसाय के मुख्य स्थल पर किसी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि नहीं पाई गई और ये फर्म बोगस पाया गया, जिसके बाद ही विभाग की तरफ से उस महिला का पता लगाया गया है जिसके नाम पर ये फर्म निबंधित है। जांच के क्रम में ये पाया गया है कि वो एक ग्रामीण महिला है और उनके द्वारा ये बताया गया है कि वो किसी प्रकार के व्यापारिक गतिविधि में संलिप्त नहीं है, जो जांच का एक विषय है। विभाग इस बिंदु पर भी अग्रेतर जांच करेगा कि इस प्रतिष्ठान का वास्तविक संचालक कौन है। बिहार की यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी आने वाले समय में बिहार की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में एक समान फीस लागू होने वाली है। ऐसे में चाहे सामान्य पाठ्यक्रम हो या व्यावसायिक, इसके लिए कुलाधिपति कार्यालय ने सभी विश्वविद्यालय, अंगीभूत महाविद्यालयों और संबंध डिग्री महाविद्यालयों में एक समान शुल्क का निर्धारण करने का आदेश सभी कुलपतियों को दिया है। मौजूदा समय में सभी 13 विश्वविद्यालयों, 263 अंगीभूत महाविद्यालय और 227 संबंध डिग्री महाविद्यालयों में सामान्य पाठ्यक्रम से लेकर व्यावसायिक पाठ्यक्रम तक में कई फीसदी में अंतर आया है। इस संबंध में अब कुलाधिपति कार्यालय ने मौजूदा फीस स्ट्रक्चर का पूरा ब्यौरा कुलपतियों से देने को कहा है, जिससे फीस का तार्किक और एक मानक पर किया जा सके। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने बिहार की बेटी को किया सम्मानित। बिहार के कई प्रतिभाओं ने बिहार का मान बढ़ाने का काम किया है, जिसमें अब एक और नाम दरभंगा की बोंदिया खेड़िया का हो गया है, क्योंकि दरभंगा की बोंदिया खेड़िया को हाल ही में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने डूडल आर्ट सिखाने के लिए सम्मानित किया है। पिछले दिनों अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन राष्ट्रीय बाल विकास ने प्रतिभा बोंदिया खेड़िया के साथ मिलकर आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 15 अगस्त 2021 को ऑनलाइन डूडल आर्ट प्रतियोगिता आयोजित किया, जिसमें प्रतिभा द्वारा प्रशिक्षित 1031 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतिभा बोंदिया के इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। बिहार के दो स्थानों पर बिजली कंपनी लगाएगी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। बिहार के दो स्थानों पर अब जल्द ही बिजली कंपनी की तरफ से फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। हाल ही में दरभंगा में बिहार के पहले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन हुआ था। फुलवरिया में 20 और दुर्गावती में 30 मेगावाट की क्षमता का प्लांट नवादा का फुलवरिया डैम रजौली के समीप है। साल 1985 में इस डैम का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। इस डैम में 20 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की योजना आगे बढ़ी है। योजना के अनुसार यहां 30 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। जहानाबाद के उदेरा स्थान बराज में भी नहर के समीप फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में 4 शावकों का जन्म। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी हाल ही में जिराफ के एक बछड़े का जन्म हुआ था। उसके बाद अब यहां पर 4 और नन्हे मेहमानों ने जन्म लेकर देश भर में बिहार और पटना जू का मान बढ़ा दिया है। बुधवार को यहां रह रही एक बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया, जिसके बाद देश में बाघों की संख्या में इजाफा हो गया है। चिड़ियाघर परिसर में मौजूद रॉयल बंगाल बाघिन संगीता और बाघ नकुल के घर पर 4 शावकों का जन्म हुआ। इन शावकों के साथ पटना जू में बाघों की संख्या 10 हो गई है। यहां पहले से 6 बाघ मौजूद हैं। अभी तक शावकों का जन्म देने वाली मादा बाघिन और उनके बच्चे स्वस्थ बताए जा रहे हैं। ललन सिंह के साथ हुई बैठक पर उपेंद्र कुशवाहा ने दिया बयान। राज्यसभा चुनाव को लेकर इन दिनों जदयू में उठापटक की स्थिति देखने को मिल रही है। इन्हीं चर्चाओं के बीच बीते दिन उपेंद्र कुशवाहा ने ललन सिंह से मुलाकात की, जिसमें अशोक चौधरी भी शामिल हुए थे, जिसके बाद से ही कयासों के बाजार गर्म हो गए। हालांकि जब मीडिया कर्मियों ने उपेंद्र कुशवाहा से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सामान्य मुलाकात थी, किसी तरह का कयास लगाने की जरूरत तो नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री के साथ आरसीपी सिंह और ललन सिंह की हुई बैठक पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यदि पार्टी के अंदर कोई मुख्यमंत्री से समय मांगेगा और मिलने जाए तो ये तो कोई खबर नहीं है। चिराग ने दी जदयू को नसीहत। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बीते दिनों ही राजधानी पटना पहुंचे हैं। इस दौरान ही उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के
राज्यसभा उम्मीदवार मीसा भारती और फयाज अहमद को शुभकामनाएं दी। वहीं जनता दल यूनाइटेड के नेता आरसीपी सिंह के बारे में तो उन्होंने जदयू को ही दो टूक नसीहत दे डाली, जिसके तहत उन्होंने कहा कि वो जदयू के बड़े नेता हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें राज्यसभा भेजना चाहिए, लेकिन ये जदयू का इंटरनल मैटर है। वहीं जहां तक सवाल भाजपा को लेकर है, तो भाजपा राज्यसभा के लिए पत्ते कब खोलेगी ये भी पार्टी का निजी मामला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से राज्यसभा के लिए प्रत्याशी के रूप में किसे चुना जाता है ये अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। तेज प्रताप ने कसा विपक्ष पर तंज। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव हमेशा चर्चा में रहते हैं। वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव भी रहते हैं और इसके जरिए विपक्ष पर हमला भी करते रहते हैं, जिसके तहत अब उन्होंने पिता लालू प्रसाद यादव के पटना आने को लेकर विपक्षी दलों पर कटाक्ष किया है, जिसके तहत ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि शेर ए बिहार के आते ही गीदड़ों की फौज में हड़कंप मच गया है। विरोधी अफवाह फैलाने में लग गए हैं कि पार्टी टूट रही है। पार्टी की एकजुटता को कोई नहीं तोड़ सकता। हम एक है और एक रहेंगे। भाजपा आरएसएस वालों कान खोल के सुन लो, अब जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। हिना शहाब को नहीं मिला राज्यसभा टिकट, बगावत पर उतरे कार्यकर्ता। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने हाल ही में राज्यसभा की दो सीटों पर मीसा भारती और पूर्व विधायक फयाज अहमद को राज्यसभा भेजा है। हालांकि इन सब के बीच ऐसी चर्चा जरूर थी कि दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब का नाम शामिल होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके बाद से ही उनके समर्थकों में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। हिना शहाब के समर्थकों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लालू यादव मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, जिसके बाद से अब सवाल उठ रहे हैं कि हिना शहाब पार्टी से इस्तीफा देंगी या नहीं। कार्यकर्ताओं ने उनसे राजद से इस्तीफा देने की मांग की है। इस दौरान हिना शहाब ने कहा कि कार्यकर्ता हमसे मिले हैं, उनका फैसला हमारा फैसला होगा। आज के इतिहास में 28 मई की तारीख कई कारणों से है दर्ज। सन 1959 में आज ही के दिन दो अमेरिकी बंदरों ने अंतरिक्ष की सफल यात्रा की थी। नेपाल में 2002 में फिर आपातकाल लगा। नेपाल में 2040 सालों से चली आ रही राजशाही का 2008 में आज ही के दिन अंत हुआ। हिंदुत्ववादी नेता और कवि विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 1883 में आज ही के दिन हुआ। जासूसी उपन्यास जेम्स बॉन्ड के लेखक इयान फ्लेमिंग का जन्म 1908 में आज ही के दिन हुआ था। अमेरिकी मुक्केबाजी प्रशिक्षक लो ड्यूबा का जन्म 1922 में आज ही के दिन हुआ था। पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी मिसबाह उल हक का जन्म 1974 में आज ही के दिन हुआ था। राजस्थान 14 साल के बाद आईपीएल के फाइनल में। आईपीएल 2022 के दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान ने बेंगलुरु को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है, जहां 29 मई को उनका मुकाबला हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात से होगा। संजू सैमसन की टीम 14 साल बाद आईपीएल के फाइनल में पहुंची है। वहीं आरसीबी का आईपीएल चैंपियन बनने का सपना एक बार फिर टूट गया है। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 20 ओवर में 157 रनों की पारी खेली और राजस्थान को 158 रन का टारगेट दिया। राजस्थान के लिए जोस बटलर ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 66 गेंद में 106 रन बनाए। बटलर आखिरी तक नाबाद रहे। यह आईपीएल 2022 में इस खिलाड़ी का चौथा शतक है। उन्होंने विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी की है। कोहली ने 2016 के सीजन में 4 शतक लगाए थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है मोटिव गौतम कुमार, कुश कुमार, मिथुन कुमार, पंचम वर्मा, मिथुन सिंह, अर्जुन कुमार, राजीव कुमार, नवीन कुमार, कुमार छोटू, विपिन कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार राजस्थान और गुजरात में से कौन सी टीम इस साल आईपीएल का सीजन जीतने में कामयाब रहेगी? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।